हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने दर्पण के समीकरण का डेरिवेशन कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग जो है रेखीय आवर्धन के बारे में जानेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों के टाइम को ना लेते हुए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग जानते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन बताने के लिए हमने आपको डायग्राम पहले ही बना के रखे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये बनता कैसे है, तो ये हम आपको रफली इधर समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, तब रेखीय आवर्धन के लिए फार्मूले को ज्ञात करेंगे क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले रेखीय आवर्धन को किससे व्यक्त करते हैं? एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? एम से व्यक्त करते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, रेखीय आवर्धन को एम से व्यक्त करते हैं। एम बराबर होता है आई बटे ओ। आई बटे क्या होता है? ओ होता है प्यारे बच्चों। इसी को आप लोग लिख सकते हो एच डैश बटे एच। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये आई का मतलब होता है इमेज। क्या होता है? इमेज। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। क्या बताया प्यारे बच्चों? ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का मतलब हो गया प्रतिबिंब। क्या हो गया? प्रतिबिंब। यानी और ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वस्तु। तो हमको क्या मिला डियर स्टूडेंट? आवर्धन बराबर हो गए प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई डियर स्टूडेंट? प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई। और बटे किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। डियर स्टूडेंट, हमने क्या बताया? मुख्य अच्छा ध्यान समझिए, यहाँ समझिए, प्रतिबिंब की लंबाई किधर है और वस्तु की लंबाई क्या है। तो वस्तु वो होता है प्यारे बच्चों जिससे प्रकाश किरणें निकलती है और दर्पण से टकराती है। ये देखिए, यहाँ से लेके जैसे ये आपने मार्कर रखा, तो ये मुख्य अक्ष से ऊपर की लंबाई है ना डियर स्टूडेंट, मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई, मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई। तो मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई होती है प्रतिबिंब की लंबाई और मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई होती है वस्तु की लंबाई। तो डियर स्टूडेंट, क्या होता है रेखीय आवर्धन समझिएगा, मुख्य अक्ष के नीचे की मापी गई लंबाई प्रतिबिंब और मुख्य अक्ष के ऊपर की मापी गई लंबाई वस्तु की लंबाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। अर्थात इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई दोनों के अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर रेखीय आवर्धन क्लियर हो गए होंगे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा, अब हाँ प्रतिबिंब की लंबाई आप क्या मान सकते हो डियर स्टूडेंट? आई। तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई का अनुपात, का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक, रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? इसे एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एम से व्यक्त करते हैं। चलिए, अब हमने बता के रखा कि रेखीय आवर्धन बराबर फार्मूला का लिख सकते हो प्यारे बच्चों, रेखी आवर्धन एम बराबर आपने क्या लिखा? प्रतिबिंब की लंबाई। क्या? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई? वस्तु की लंबाई। तो ये होती है रेखी आवर्धन, आप इसे यम, प्रतिबिंब की लंबाई आई, वस्तु की लंबाई क्या होता है? ओ। तो इस प्रकार आप रेखीय आवर्धन को परिभाषित कर सकते
हो। तो प्यारे बच्चों एक बार आप इसको फिर से समझ सकते हैं, हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट, प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के नीचे की नापी गई लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई नापते हो वो वस्तु की लंबाई होती है। तो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। डियर स्टूडेंट इसके लिए आइए हम लोग व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं, क्या होता है यू और वी के पदों में रेखीय आवर्धन को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट हम लोगों ने क्या लिया, एक ले लेते हैं अवतल दर्पण ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों अवतल दर्पण। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, तब हम लोग इसको मूव कर देते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का चर्चा करते हैं, ऐसे ही उत्तल के लिए भी होगा डियर स्टूडेंट, अवतल दर्पण के लिए। तो आइए समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया प्यारे बच्चों, एक अवतल दर्पण लिया, क्या लिए अवतल दर्पण लिए। चलिए हम आपको समझाते हैं, आपने क्या ले लिया अवतल दर्पण ले लिए, ठीक। अब क्या आपने बनाया, एक मुख्य अक्ष बनाया, फिर उसके बाद इसे क्या बनाया ध्रुव बनाया, यहीं कहीं पर मुख्य फोकस हो गए, यहीं पर क्या हो गए वक्रता केंद्र हो गए। अब आपने क्या कहा कि यहीं पर कोई वस्तु ले लिए ए और बी, क्या ले लिए प्यारे बच्चों ए और बी। अब इनसे पहला नियम लगाया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो कहाँ से होकर जाती है प्यारे बच्चों, कहाँ से होकर जाती हैं, अरे मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। डियर स्टूडेंट हमने बता के रखा है ये चीज़ें, तो कहाँ से होकर जाती हैं मुख्य फोकस से होकर जाती है, पहला नियम लगा लिए। दूसरा आपने क्या पढ़ा था कि वक्रता केंद्र, थोड़ा वक्रता केंद्र को आप इधर कर लीजिएगा, तो क्या होता है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस मार्ग से आई रहती है पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाती है वापस लौट जाती है। तो ये लौट गई प्यारे बच्चों, जहां ये दोनों एक दूसरे को काटी वहीं का बन गया वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए ए था तो ये ए डैश हो गए और ये क्या हो गए प्यारे बच्चों बी डैश हो गए। अब ध्यान से समझिएगा, अब हमने क्या किया एक रचना किया, या ऐसे भी मान सकते हैं प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा बी और पी को क्या कर दिए मिला दिए, बी और पी को मिला दिए, फिर बी डैश पी को मिला दिए डियर स्टूडेंट एस, ठीक। तो ये आपका आपतन कोण हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा परावर्तन कोण हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यही डायग्राम आपका यहाँ पर भी बनाया गया, आप मिला सकते हो प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको मूव करते हैं और चर्चा करते हैं कि अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का व्यंजक क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए इस डायग्राम में दो त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, सबसे पहला त्रिभुज देखिए ए बी पी दिखाई पड़ा प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा ए बी पी दिखाई पड़े तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी, तथा एक त्रिभुज और दिखाई पड़ रहा है ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी एक दूसरे के समरूप है, क्या है प्यारे बच्चों एक दूसरे के समरूप है, क्या है समरूप है। तो समरूपता के नियम से क्या होगा, समरूपता के नियम से क्या होता है जानते हैं, जब चलिए एक बार रफली फिर समझते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप हो ए बी सी पी क्यू आर, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो त्रिभुज के अनुपात होते हैं, जैसे ये वाले भुजा इस भुजा के अनुपात यानी ए बी बटे क्या हो जाएगा पी क्यू, फिर ए सी बटे क्यू आर, और फिर बी सी बट ए सी बटे पी आर होना चाहिए था, ए सी बटे पी आर बी सी बटे क्यू आर, ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, जब दो त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं, कोई भी किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट यही वाला रूल लगाएंगे हम लोग, तो क्या लगाएंगे समरूप है तो समरूपता के नियम से। तो देखिएगा ये ए बी है, ये क्या है ए डैश बी डैश है, तो जो ये भुजा है वही ये भी भुजा है, तो देखिए क्या लिखते हैं ए डैश बी डैश बटे क्या लिखते हैं ए बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं ए बी। अब कहोगे सर पहले ये क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि आपने आवर्धन पढ़ाया, आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई है ए डैश बी डैश और वस्तु की लंबाई है ए बी बराबर। फिर आगे क्या दिखेगा यहां से देखिए भैया प्यारे बच्चे ए डैश पी, ये त्रिभुज की ये भुजा क्या हो गई ए डैश पी, ए डैश पी
बटे ए डैश पी हो गए, फिर क्या हो गए ए पी, यानी ये वाली भुजा ए पी। एक बार हमने क्या लिया यहां से लेके ये वाली भुजा, फिर एक बार हमने ये वाले, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। अब आगे समझते हैं, ये समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं एक बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं एक। यहां तक समझिएगा, हमने कुछ नहीं किया, क्या आपने किया एक बार ये भुजा लिए इसके साथ, एक बार ये वाली भुजा पूरा इसके साथ, एक बार आपने लंब वाली भुजा लिया है, एक बार आपने आधार वाले भुजा लिया है, आप इसे समीकरण नंबर एक बना लिए। अब क्या करते हैं उचित चिन्ह व उचित चिन्ह व मान लेने पर, तो चलिए आपने पढ़ा होगा ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है u से व्यक्त करते हैं, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है u होती है, यानी ए पी बराबर क्या हो गया u, ए पी बराबर क्या आ गया u आ गया। आगे समझिए, फिर प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है v होती है, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है v, तो a डैश p, ए डैश पी बराबर कितना आ गया वी। ध्यान समझिए, अब हम लोग चिन्ह परिपाटी लगाते हैं, सोचिए मुख ये ध्रुव है, तो आपने पढ़ा है कि ध्रुव से बाएं तरफ की जितनी दूरियां होती है सदैव ऋणात्मक होती है, ध्रुव से बाएं तरफ की, तो ध्रुव से आप बाएं आ रहे हो तो देखिए बाएं तरफ की दूरियां ये भी ऋणात्मक है ये भी ऋणात्मक है, तो डियर स्टूडेंट ए पी बराबर भी माइनस यू और ए डैश पी बराबर भी क्या आ गए माइनस वी आ गए। अब हम क्या लेते हैं ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश, ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश, तो आपने पढ़ा होगा मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई ऋणात्मक होती है और ऊपर की लंबाई क्या होती है धनात्मक होती है, ये मैंने बताया है, ये आप ध्यान समझिए, ये मुख्य ये वाई अक्ष क्या होता है ऊपर प्लस होता है ना, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक और नीचे की लंबाई क्या होती है ऋणात्मक होती है, तो क्या लिखेंगे ए डैश बी डैश, तो ए डैश भी मुख्य अक्ष के नीचे की है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी, तो आप मानिएगा इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं ओ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ओ मान लेते हैं, तो यहां से लेके यहां तक की क्या हो जाएगी ओ, तो ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, ओ भी क्या हो जाएगा माइनस ओ हो जाएंगे। इसी प्रकार ए बी, ए बी क्या है ए बी बराबर, सॉरी इसे आई मानना है क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई है ना प्यारे बच्चों, ये आई हो जाएगा तो ये आप आई मानेंगे ठीक। उसके बाद क्या है ए बी, ए बी क्या है वस्तु, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा कोल, तो ये सब मान क्या करेंगे ये सब मान समीकरण एक में रखने पर, ये सब मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है प्यारे बच्चों ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश बराबर आप देख रहे हैं माइनस आई है, क्या है माइनस आई है, फिर ए बी, ए बी क्या है ओ है, ए बी क्या है ओ है, तो ए बी बराबर क्या आ गया ओ आ गया बराबर, ए डैश पी, ए डैश पी क्या है माइनस वी है ठीक, और ए पी, ए पी क्या है माइनस यू, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा अब हम इसको लिख सकते इस माइनस को इधर कर दें तो क्या लिखा जा सकता है आई बटे ओ, आई बटे ओ, इस माइनस को हम लोग इधर ले जा रहे हैं तो माइनस वी अपान यू आ जाएगा, तो रेखी आवर्धन ये आ गए आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू, यानी हम लोगों ने यू और वी के पदों में रेखी आवर्धन का सूत्र प्राप्त कर लिए, तो प्यारे बच्चों आई बटे ओ ही आप लोगों ने पढ़ा था यम कहलाता है, तो यम बराबर क्या आ गए आई बटे ओ बराबर माइनस वी अपान यू, इस प्रकार रेखी आवर्धन का व्यंजक ओ यू और वी के पदों में आई और ओ के पदों में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारे बच्चों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत